जनपद को प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि जनपद औरैया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है। जनपद औरैया का यह सपना साकार हो रहा है। कोई ये मानता था औरैया जैसे जनपद में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उसका लोकार्पण होगा, लेकिन यह सपना भी आज साकार हो रहा है। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लोक कल्याण का हो, कनेक्टिविटी का हो, या फिर स्कूल को बनाने, कॉलेजेस के लिए भवन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए, आज ये कार्य पूरी तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि आज विकास हर गांव, हर जनपद, हर क्षेत्र में केवल दिख नहीं रहा है, बल्कि लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। एक और इधर ले, दूसरी ओर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं, बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान का मिल जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध हो जाना, बिना भेदभाव के बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, बिना किसी भेदभाव के हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाना, बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को उपलब्ध हो जाना, अगर ये योजनाएं शासन की पूरी ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, तो इसके पीछे शासन की एक ही मंशा है। हमने जातिवाद के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, हमने क्षेत्र और भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप नहीं किया है, बल्कि हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया, वो मंत्र दिया है कि सबका साथ और सबके विकास का, विकास सबका, सबका साथ मिलेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। आज हम यहां पर 28 अक्टूबर को यहां पर एकत्र हुए हैं, अभी 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व हम लोगों ने मनाया। विजयादशमी के पर्व के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे। नवरात्रि में 9 दिन तक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के कार्यक्रम, विजयादशमी के अवसर पर जगह जगह रामलीलाओं के आयोजन, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, ये सभी कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आयोजित हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। अब समय नहीं, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। जब पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को आशंकाएं होने लगती थी, पता नहीं कहां कर्फ्यू लग जाए, लोग भयभीत होते थे कि पर्व और त्योहार में कहां उपद्रव हो जाए, कहां पे गुंडागर्दी हो जाए, कहां पे दंगा करने वाले लोग दंगा करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा कर दे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का नहीं, 2017 के पहले पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर आशंकाओं को लेकर के आता था, भय और दहशत का प्रतीक बन जाता था। लेकिन पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखे होंगे, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, उत्साह और उमंग की कमी नहीं। 50,000 से अधिक जगत जननी मां भगवती की मूर्तियां जगह जगह जनपदों में बिठाई गई थी, जहां पूजा कर रहे थे लोग, लेकिन एक भी जगह कोई अव्यवस्था पैदा करने का दुस्साहस नहीं कर पा सकता था। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, व्यवस्थित रूप से संपन्न हुए, ये चीजें दिखाती है लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं।
कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो अव्यवस्था पैदा करते थे, सरकार ने सख्ती से उनसे जब निपटना प्रारंभ किया, आज वे भी रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं, और जो रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं उनके लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए यहां पर आया हूं कि हम सब को आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से आज आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन की सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन अनेक प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों की श्रृंखला है, एक तरफ नौकरी में, एक तरफ संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था बहनों के लिए, वहां पर विधायक और सांसद बनने के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है, वहीं सरकारी नौकरियों में भी उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 के पहले ये व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने 2017 में आने के बाद पहला कार्य किया कि अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में जो पुलिस महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या थी वह मात्र 10,000 थी, और आज वह संख्या है 40,000। आप याद करिए कि 4 गुना अधिक हम लोगों ने वह संख्या बढ़ाई है, अधिक से अधिक लोगों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती का अवसर दिया, और पुलिस में भर्ती ही नहीं बल्कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में वे जाना चाहती हैं, स्नातक तक की शिक्षा फ्री, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आना चाहती है। आपने देखा होगा भी पालू चौधरी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, प्रदेश सरकार ने घोषणा की है गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से देने जा रहे हैं, और 3 करोड़ रुपए के साथ साथ डिप्टी एसपी का पद भी उनके लिए इंतजार कर रहा है, सीधे सरकारी नौकरी में उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सरकार की नियत जब साफ होती है, समाज के विश्वास को वह अर्जित करके आगे बढ़ता है, व्यापक जन विश्वास की प्रतीक जब सरकारें बनती है तो योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से प्राप्त होता है प्रत्येक तबके को, और आधी आबादी भी उसका लाभ लेती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में 1.5 लाख से अधिक बेटियों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर मिली है, और इसके अलावा विभिन्न अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, बीसी सखी में 56,000 बहनों को सीधे सीधे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, लाखों बहनों को आज प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लगातार वे अपनी प्रतिभा का लाभ दे रही है। बगल में झांसी में ही बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से बुंदेलखंड की 40,000 से अधिक बहने कैसे महिला स्वावलंबन का आधार बन सकती हैं, उसका एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका प्रति वर्ष का जो वार्षिक टर्नओवर है वह 150 करोड़ का है, और जिसमें से 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट वे बहने वहां पर उपलब्ध कर रही है। यानी आज हर एक क्षेत्र में उनके लिए स्थान है, आगे बढ़ने के अवसर हैं, और इस आगे बढ़ने के कार्यक्रम की श्रृंखला में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक कार्यक्रम है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्यक्रम है, जिसके बारे में लोग केवल चुनाव में नारा लगा करके घोषणाएं करते थे, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्होंने पूरी कार्य योजना बना करके संसद से अधिनियम पारित करवा करके उसको एक कानून बना करके आज देश की सभी बहनों को सम्मान देने का कार्य किया है। आधी आबादी को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया है।
आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति जहां मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी बहनों की ओर से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, वहीं साथ ही साथ मैं औरैया जनपद के सभी वासियों को आप सभी बहनों के माध्यम से बधाई भी देता हूं, जो 688 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। हम सब जान रहे हैं विकास आज की आवश्यकता है, ये समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो इसका लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लोग लेते हैं। आज अनेक कार्यक्रम सरकार के स्तर पर चल रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिए सड़क की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, अभी यहां मुझे श्रीमती गीता साक्य जी ने भी सड़कों के कुछ प्रस्ताव उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें 2 लेन को 4 लेन बनाने के लिए आप अनुमान करिए, पहले सिंगल लेन की सड़क भी नहीं मिलती थी, आज हम 4-4 लेन की सड़कों को बनाने के कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए, ITI के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, इंटर कॉलेजेस के लिए, ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के स्ट्रेंथन करने के लिए, महिला और बाल विकास के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनरुद्धार के लिए, हर घर नल की योजना के माध्यम से एक और जहां इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परिवार को सिर ढकने के लिए छत मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम प्रभावी ढंग से लागू हो सके, प्रदेश में 55 लाख ऐसे परिवारों को जहां हम लोगों ने अब तक एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 55 लाख की संख्या, अनुमान करिए बहुत सारे राज्यों की आबादी 55 लाख नहीं, हमारे यहां 55 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध हो गया। आप सोचिए जहां पे गरीब रह रहा है उस गरीब का मालिकाना अधिकार उस जमीन पर उसको देने की कार्रवाई हो रही है, ऐसी लगभग 75 लाख घरों ने अब तक प्रदेश में महिलाओं के नाम पे उपलब्ध करवाई जा चुकी है और यह दिसंबर तक 125 करोड़ परिवारों को घरों ने वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। यानी सरकार की योजनाएं 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को पूरे कोरोना कालखंड में अभी भी फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करते हुए सरकार संकट की साथी है, इस एक संकल्प के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। ये सभी कार्यक्रम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने योग्य प्रतिनिधि हमें उपलब्ध करवाए, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने वाले पदाधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के जब शासन तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं तो शासन से योजनाएं फिर जनपद तक पहुंचती हैं, जनपद में प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के जब उनका प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं आम जनमानस तक वे पहुंचती हैं, और आम जनमानस तक जब पहुंचती है उसका लाभ प्रभावी ढंग से प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के प्राप्त होती भी दिखाई देती है। ये 688 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आप उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए आज यहां पे लागू हो चुके हैं या लागू होने जा रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे औरैया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं जिस उत्साह के साथ आप सभी बहने इतने समय के पूर्व यहां पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाई है, आने वाले समय में शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जनपद को इसी प्रकार से प्राप्त हो इसके लिए और आने वाले पर्व और त्योहारों के लिए, दीपावली का पावन पर्व आने वाला है, दीपावली इस वर्ष की एक बहुत हम सबके लिए शुभ दीपावली होगी क्योंकि दीपावली के दिन से हम लोग प्रदेश में हर घर में हर देवस्थल में
दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और एक कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं। आप याद करिए, दीपावली का आयोजन तो हम इसीलिए मनाते हैं, 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत प्रभु श्री राम जब अयोध्या आगमन उनका होता है तो पूरे भारतवर्ष ने दीपावली के साथ इस आयोजन को स्वागत के साथ जोड़ा था, दीपों को प्रज्वलन करके प्रभु का आगमन की खुशी मनाई थी। और दीपावली का यह आयोजन 500 वर्षों के बाद फिर से पूरे भारतवर्ष में आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और हम लोग तब व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 22 जनवरी को जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न होगा, अगले दिन से जनपदों से भी हम लोग राम भक्तों को अयोध्या में ले जाकर के दर्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं औरैया वासियों से भी कहूंगा, अभी से तैयारी करिए प्रभु के स्वागत के लिए। आपके घरों में, आपके गांवों में, आपके देव मंदिरों में भी प्रभु का वास इसी प्रकार से हो करके हम सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं अभी से मैं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे विशेष माननीय